ब्राजील में आज हम लोगों ने एक पटवारी है उनको 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और मामला जो इस तरीके का है कि एक अधिवक्ता महोदय जो अपना नाम ओपन नहीं करना चाहते क्योंकि उससे उनके प्रोफेशन पर भी अंतर पड़ता है, तो उन्होंने यहाँ बोर्डी गांव में 2023 में एक ज़मीन खरीदी थी, वो लगभग 2 एकड़ से ऊपर की ज़मीन है। और इस ज़मीन का उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया संबंधित ट्रस्ट से और नामांतरण भी 2024 फरवरी 2024 में नामांतरण भी करा लिया है। उस ज़मीन में कई सारे हिस्सेदार हैं, तो उनमें से किसी एक हिस्सेदार ने इस बात की आपत्ति ली थी कि जब आप बटान सीमांकन करा लेंगे इसका उसके बाद ही ज़मीन पर पैर रखिएगा। तो इस प्रेशर की वजह से वो जब यहाँ तहसील में आए कि हमारा बटान और सीमांकन हो जाए हमारी ज़मीन का ताकि हम उस पर खेती कर सकें, तो ये जितनी आज मुझे जानकारी मिली है पटवारी है सचिन यादव, ये प्रभार में हो उस पटवारी हलके में, जो मेन पटवारी है वो शायद बीमार हो गया है, छुट्टी पे गया हुआ है। तो इन्होंने ये जो पटवारी है सचिन यादव, इन्होंने इनका बटान सीमांकन और खसरा अपडेट करने के लिए 25,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसमें से आज 15,000 रुपये जो आवेदक ने इनको दिया है, रेवेन्यू परिसर में इनका जो ऑफिस है सचिन यादव जी का, वहाँ जैसे ही 15,000 रुपये दिया और उन्होंने सचिन यादव ने अपने पैंट में उसको रखा, तो हमारी टीम के जो मेंबर मौजूद थे उन सभी ने उनको पकड़ लिया। हमारे YouTube चैनल